मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। गुजरात गौरव अभियान में अपने टीचर से मिले मोदी गुरु ने सिर पर हाथ फेरा तो भावुक हुए प्रधानमंत्री। भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ बिहार में परिवारवाद, दो और नेताओं पर लगे बड़े आरोप। प्रदर्शन में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बनाई दूरी, उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों की पुलिस को तैयार रहने के निर्देश, हिंसा में पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाए जाने की आशंका। कुलगाम खंडीपोरा इलाके में मुठभेड़, हिजबुल का एक आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी। लद्दाख की सीमा के पास चीन कर रहा है फ्रंटलाइन विमानों की तैनाती, भारतीय सेना है अलर्ट। दिल्ली के रोहिणी में ब्रह्मा शक्ति अस्पताल में आईसीयू वार्ड में लगा आग, मरीज के मौत की आशंका। सरकार ने भारतीय नौसेना कर्मियों के समुद्री यात्रा भत्ते में किया संशोधन। मानसून का दिखने लगा असर, देश के कई राज्यों में कई दिनों तक होगी जोरदार बारिश, आईएमडी का जारी हुआ अलर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना को बड़ा झटका, संजय पवार राज्यसभा चुनाव हारे, बीजेपी की 3 सीटों पर जीत। उड़न तश्तरियों के रहस्य से उठेगा पर्दा, एलियन की गुत्थी सुलझाएंगे नासा और पेंटागन। बरनाला में कांग्रेस को बड़ा झटका, जिला कार्यकारी प्रधान एंड गुप्ता कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल। सिसु झील व वाटर पार्क वाटरफॉल के मुरीद हुए राष्ट्रपति, लाहुल पहुंचने वाले पहले प्रेसिडेंट कोविंद। कोलकाता में आयकर विभाग का बड़ा छापा, 200 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला। अमित शाह बोले भारत का गौरवशाली इतिहास, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों ने मुगलों को ही दी तरहीज। सपा विधायक आजम खां के फिर बड़ी मुश्किलें, ईडी ने जल निगम भर्ती घोटाले में दर्ज किया एक और केस। लोकसभा उपचुनाव में सपा के लिए गढ़ बनाना चुनौती, दोनों सीटों पर भाजपा से कड़ा मुकाबला। जून को रामनगरी आएंगे आदित्य ठाकरे, रामलला के दर्शन कर सरयू आरती में होंगे शामिल। जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन करने वालों की धरपकड़ शुरू, अब तक 136 लोग गिरफ्तार। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय 16 जून से खुलेंगे, महानिदेशक बोले ध्वस्त स्कूलों में ना हो शिक्षण कार्य।
प्रदेश सरकार की 16 लाख कर्मचारियों को तोहफा वित्त विभाग ने की तैयारी, मिलेगा बढ़ी दर से। अमेठी में राहुल गांधी की सांसद निधि से जारी धनराशि में किया गया घपला, कांग्रेस ने मांगा हिसाब। अलीगढ़ में दबंगों ने की पिता और बेटे के साथ मारपीट, दोनों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। नुपुर शर्मा का बयान, सियासी घमासान, अलीगढ़ में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, अब पुलिस का एक्शन। अलीगढ़ में भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन, विधि विधान और हवन पूजा अर्चना के साथ कार्यालय की गई शुरुआत। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। को लेकर दो पक्ष में लड़ाई, एक दूसरे पर धारदार हथियार से किया हमला। गोरखपुर में जेपी नड्डा ने किया नए कार्यालय का लोकार्पण, विपक्षियों पार्टियों पर जमकर साधा निशाना। राजगंज में दबंगों ने दिखाई दबंगई, विधवा महिला को जमकर पीटा। संभल में सकुशल संपन्न हुई जुमे की नमाज, नमाज शांतिपूर्ण संपन्न, मस्जिदों पर पुलिस मुस्तैद। केपी मलिक ने किया श्रावस्ती का दौरा, स्मार्ट क्लास और आंगनबाड़ी केंद्र की दी सौगात। बहराइच में दबंगों को नहीं है प्रशासन का खौफ, ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों का कब्जा। शहर में अज्ञात लोगों ने की युवक की निर्मम हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर में बाबा के गढ़ का होगा कायाकल्प, निरीक्षण में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिखे संतुष्ट। हरदोई जनपद में चली तबादला एक्सप्रेस, एसपी ने पुलिस कर्मियों के किए तबादले। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से दो की मौत और दो घायल। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को मिली जीत, राजस्थान से राज्यसभा सदस्य। शाहजहांपुर में शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 125वीं जयंती, संकल्प संस्था ने बिस्मिल पार्क में किया हवन पूजन, राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। संभल में सीएम योगी की सामूहिक विवाह योजना को सफल, सामूहिक विवाह में एक दूसरे के लिए के हुए 418 जोड़े, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी रही मौजूद। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दिन दहाड़े दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग, फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में लगी गोली। चंदौली में सवारी लेकर जा रही मैजिक ने महिला को मारी टक्कर, नाराज ग्रामीणों ने चकिया मुगलसराय रोड किया जाम।
उमरिया में बनकटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चेकिंग के दौरान ट्रक से 34 पेटी शराब बरामद। लखनऊ में रामविलास यादव के घर छापा, एलडीए के पूर्व सचिव है रामविलास यादव। उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का मामला हुआ दर्ज। सपा के मीडिया पैनलिस्ट प्रवक्ताओं को निर्देश, दंगों को लेकर होने वाली डिबेट में हिस्सा नहीं लेने का निर्देश। मुरादाबाद नमाज के बाद प्रदर्शन का मामला, माहौल खराब करने वाले 7 लोगों को किया गिरफ्तार, 10 लोगों के नाम जोड़ और 80 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। वीडियो के जरिए बाकी लोगों की तलाश जारी। चीन सीमा पर देहरादून निवासी सेना का जवान 12 दिन से लापता, बटालियन के सूबेदार मेजर ने स्वराज को दी सूचना। उत्तराखंड में हाई अलर्ट, मस्जिदों के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बवाल को लेकर अलर्ट हुई उत्तराखंड पुलिस। एडवेंचर टूरिज्म का केंद्र बनने में लगा उच्च हिमालयी क्षेत्र, साइकिलिंग और राफ्टिंग ने बढ़ाया रोमांच। कुमारों के कल्याण के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट का सराहनीय पहल, मुख्यमंत्री आवास के सचिवालय में अब मिलेगा कुल्हड़ वाली चाय। चमरानी बांध के निर्माण को एडीबी का निर्भरता खत्म, अब भारत सरकार देगी बजट। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर स्थायी तौर पर हटाए जाएंगे। उत्तराखंड में भीषण गर्मी जारी, 16 जून से राहत के आसार। पंजाब नेशनल बैंक काशीपुर शाखा को क्रिमिनल नोटिस भेजेगी पुलिस। तालिबानी सत्ता आने के बाद अधर में अफगानिस्तान के 43 कैंडिडेट्स का भविष्य, आईएमए से पास आउट हुआ अंतिम बैच। टिहरी में दर्दनाक हादसा, यूटिलिटी खाई में गिरने से 5 की मौत, वाहन में सवार थे 8 लोग। चंपावत को पर्यटन मानचित्र पर उभारने के लिए बनेगा मास्टर प्लान, सीएम की घोषणाओं पर काम शुरू। कोरोना काल में चौपट हुई उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पटरी पर लौटी पर्यटन सेक्टर में तेजी से सुधार। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत 2200 परिवारों के लिए 5.34 करोड़ रुपए स्वीकृत। पाजपुर में बिना डॉक्टर के महिला का ऑपरेशन करने पर निजी अस्पताल सील। लव जिहाद से सनसनी मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी गिरफ्तार। उत्तरी कैरोलिना के एक खेत में आग लगने से विस्फोट, 1 की मौत, 3 घायल। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ की हालत गंभीर, परिवार ने कहा अब रिकवरी की उम्मीद नहीं, उनके सभी अंग काम करना बंद कर रहे हैं।
डिफेंस सेक्रेटरी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से की मुलाकात, समर्थन के लिए जेलेंस्की को बोले थैंक यू। यूक्रेन के लिए लड़ने गए तीन विदेशियों को सजाए मौत, रूस समर्थित इलाके की कोर्ट ने सुनाया फैसला, पुतिन ने अपनी तुलना पीटर द ग्रेट से की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 4.7 रही तीव्रता। कैलिफोर्निया में ट्रेनिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ विमान, दो पायलट समेत 5 लोगों की मौत। अमेरिका ने ताइवान के समर्थन पर दिया जोर, कहा ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधि से क्षेत्र को खतरा। पाकिस्तान ने 11% बढ़ाया रक्षा बजट खर्च की एक लाइन में जानकारी। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मांगे और हथियार, मारियोपोल में फैला पेचिस और हैजा। भर में आपराधिक कारनामों में पाकिस्तानियों की भागीदारी बड़ी, जिहादी समूहों के बहकावे में आकर अपराधों में हो रहे हैं संलिप्त। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा लोन देने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आएगा सख्त नियम। स्टोर इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, सिंगल जारी, 132 किलोमीटर दौड़ेगी, 79,600 रुपए ओकिनावा और ओला स्कूटर को देगा टक्कर। LIC के शेयर में गिरावट से सरकार चिंतित, DIPA में सचिव बोले अस्थाई है गिरावट। इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार को बड़ी राहत, अप्रैल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 7.1% की बढ़ोतरी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कंपनियों को बंद करने के लिए नहीं है विनिवेश, बताया इसके पीछे का लक्ष्य। ओला स्कूटर के खरीदारों के लिए खुशखबरी, कंपनी करने जा रही है बड़ी सॉफ्टवेयर अपडेट। एडवर्टाइजमेंट पर नई गाइडलाइन, सरकार ने सरोगेट और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई, उल्लंघन पर लगेगा 50,00,000 तक का जुर्माना। औद्योगिक उत्पादन में हुआ इजाफा, अप्रैल माह में 7.1% बढ़ा प्रोडक्शन। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ कमजोर, 11 पैसे गिरकर 77.85 के निचले स्तर पर पहुंचा। IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को दी राहत, बिना मंजूरी पेश कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। बाबर की बल्लेबाजी और मोहम्मद नवाज की गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को हराया। कॉमनवेल्थ गेम के ट्रायल से हटी सेमीफाइनल में, बाएं पैर में चोट की वजह से रिंग छोड़ा, पिछली बार जीता था गोल्ड मेडल। नस्ल भेद पर इंग्लिश बोर्ड का बड़ा कदम, एडवाइजर अपॉइंट किया, मुस्लिम एथलीट चार्टर भी बनाया।
उत्तराखंड का रोनाल्डो हेमराज जौहरी ने कॉर्नर किक पर दागा गोल। लोग कर रहे सुपरस्टार फुटबॉलर से तुलना। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 21 सदस्य स्क्वाड की घोषणा। राजपक्षे की हुई वापसी। चोटिल खेल राहुल ने शुरू की ट्रेनिंग। दो शब्दों में बताई मैदान पर वापसी की कहानी। हरभजन सिंह ने बताया ऋषभ पंत नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या होगा भारत का फ्यूचर कप्तान। भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी पहुंचे कटक। 12 जून को कटक में खेला जाएगा दूसरा T20 मैच। यहां का रिकॉर्ड टीम इंडिया को कर देगा परेशान। IPL मीडिया राइट्स की बोली में अमेज़न हटा। अब इन चार दिग्गजों के बीच होगी लड़ाई। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान की सलाह उमरान मलिक को पहले कुछ करने दो फिर दिग्गजों से तुलना करें। फेमस साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के खिलाफ दर्ज हुई FIR। एड में गलत जानकारी देने के आरोप में अल्लू अर्जुन के खिलाफ हुई मामला दर्ज। बोमन ईरानी अपने OTT डेब्यू को लेकर है काफी एक्साइटेड। 17 जून को रिलीज होगी वेब सीरीज मासूम। जवान में श्वेता तिवारी की बेटी पलक की एंट्री। सलमान खान ने एक्ट्रेस को खुद किया कास्ट। ब्रिटनी स्पीयर्स ने मंगेतर सैम असगरी से की शादी। सिंगर की शादी में हंगामा करने पहुंचे एक्स हस्बैंड जेसन अलेक्जेंडर। पुलिस ने अरेस्ट किया। विक्रम वेदा की शूटिंग पूरी फिल्म में टू लुक में नजर आएंगे ऋतिक रोशन। यंगर वेदा के लिए एक्टर ने घटाया 12 किलो वजन। ब्रेस्ट कैंसर से रिकवर हुई एक्ट्रेस महिमा चौधरी बोली बेटी ने स्कूल जाना छोड़ दिया था घर की देखभाल करती थी। संग फिर नजर आए यो हनी सिंह। खतीजा के म्यूजिक वेडिंग रिसेप्शन में हुए शामिल। जस्टिन बीबर को हुई राम से हंट सिंड्रोम नामक खतरनाक बीमारी। सिंगर के चेहरे पर हुआ पैरालिसिस। जनित में जारी हुई नुसरत भरूचा बोली हमने कभी नहीं सोचा था कि फिल्म का कोई हिस्सा आपत्तिजनक होगा। उर्फी जावेद ने पहनी रेड कट आउट ड्रेस फैंस के बीच चर्चा में नया लुक। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।